हेलो एवरी वन वेलकम टू फ्री स्टडी सो लास्ट वीडियो फॉर इंस्टा जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी करंट अफेयर कंपाइलेशन इसके बाद हम अगस्त का करंट अफेयर करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन प्रेस कर लें एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो फैक्ट्स फॉर फिल्म आज हम करेंगे अराउंड ट्वेंटी पेजेस हैं सो लेट्स स्टार्ट कॉग एक्स से स्टार्ट करते हैं कॉग एक्स एक वर्ल्ड का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवेंट्स है ऑन ए आई दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर साल लंडन में होता है अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कॉग अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मीन्स जो सबसे अच्छा काम करते हैं ए के अंदर या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर न्यूज़ में क्यों है क्योंकि ए आई इेबल्ड गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने टू अवार्ड्स जीते हैं एक तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड नाइन्टीन के लिए एंड दूसरा पीपल्स चॉइस कोविड नाइन्टीन ओवरऑल विनर के लिए देन देखिए ग्लोबा एंडर सोनी तो ग्लोबा एंडर सोनी आपको यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी तो ये रेयर एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ है डांसिंग लेडीज इसको कहा जाता है स्वैन फ्लावर्स इसको कहा जाता है वाइट फ्लावर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे नॉन अपडेंस एंथर्स देखने के लिए मिलेंगे मीन्स स्टेमन का पार्ट होता है जिसके अंदर पोलन होते हैं एंड एक येलोइश लिप देखने के लिए मिलेगा तो ये जो स्पीशीज़ है ये रेस्ट्रिक्टेड है टिस्टा रिवर टिस्टा रिवर आप देखिए कहाँ से शुरू होती है एंड क्या सिर्फ एक स्टेट से मीन्स पास होती है तो ये सिक्किम से ही स्टार्ट होती है ठीक है विच इंक्लूड द सिक्किम हिमालयस एंड डार्स्लिंग हिल रेंजेस ये जो प्लांट है ये लिथोफाइट की तरह ग्रो होता है मींस प्लांट ग्रो होता है रॉक पर पत्थर पर ठीक है न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसर्चर्स ने इस प्लांट स्पीशीज को दोबारा से रीडिस्कवर कर लिया है सिक्किम हिमालय से नियर तीस्ता रिवर वैली एंड 136 साल बाद दोबारा ये आपको प्लांट स्पीशीज मिली है एक्सटिंक्ट घोषित कर दी थी कब 1875 में देन बायोसेफ्टी लेवल्स बायोसेफ्टी लेवल्स न्यूज़ में बहुत रहते हैं तो ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन है सैंपल ऑर्गेनिजम्स हैं पैथोजन टाइप है ऑटोक्लेव रिक्वायरमेंट्स हैं तो बी एस एल बायोसेफ्टी लेवल फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ बायो सेफ्टी लेवल फर्स्ट के अंदर क्या होगा नो कंटेनमेंट ओके यहाँ पे कंटेनमेंट होगा यहाँ पे हाई होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा यहाँ पे डिफाइंड ऑर्गेनिज्म रहते हैं मीन्स पता रहता है ये वाला ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे मॉडरेट रिस्क वाले एरोसोल ट्रांसमिशन के थ्रू होता है एंड यहां पर एग्जॉटिक या जो हाई रिस्क एजेंट्स होते हैं दे ये कोई डिसीजेस कॉज नहीं करते ये डिसीज करते हैं ये सीरियस और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसजेस सेफ्टी लेवल फर्स्ट के अंदर आता है ई कॉली लेवल टू में इन्फ्लुएंजा एच आई वी लाइमे डिसीज थ्री के अंदर ट्यूबर क्लोइिज फोर्थ के अंदर एबोला वायरस ये वो एजेंट्स कैरी करते हैं जो मींस खतरा हो एनवायरनमेंट के लिए ये एजेंट्स एसोसिएटेड है ह्यूमन डिसीज से एंड ये एक्जोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे एरोसोल ट्रांसमिशन करते हैं एंड ऑल एंड दीज आर डेंजरस ऑटोक्लेव रिक्वायरमेंट्स इनको नहीं होती इनको भी नहीं होती एंड दे ये बायोसील इनको चाहिए होता है बी एस लेवल थर्ड के लिए एंड यहाँ पर भी बायोसील चाहिए होता है ओके okay? तो इसको आप एक बार लर्न आपको ये करना पड़ेगा देन इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ये थर्टी जून को मनाया जाता है हर साल मनाया जाता है ताकि साइबेरिया रशिया फाउंडेशन के अंदर जो तुन घुस का इम्पैक्ट है उसकी एनिवर्सरी को मार्क किया जा सके थर्टी जून नाइनटीन जीरो एट को रशियन फेडरेशन के अंदर ये देखा गया था ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हैज़ार्ड की जो तोंगस एस्टेरॉयड एस्ट्रॉयड इवेंट है रशिया फेडरेशन के अंदर साइबेरिया के अंदर वो अर्थ का लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देन देखिए ये आपको नई सुंदर सी बटरफ्लाई आपको मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर लेपीजो पे टेरिस्ट ये कहाँ मिली है अरुणाचल प्रदेश में इनके स्ट्राइप्ड हेयर स्टिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये वाली जो है दैट इज यामा मोटो जी क्वांग टू जेनेसिस विजयनगर के अंदर मिली है म्यांमार के पास ये सेकंड है आपकी रोहाना तोनकी नियाना एलूज प्रिंस ये मियाओ के अंदर मिली है नामडाफा नेशनल पार्क के अंदर देन देखिए वर्ल्ड का पहला और एवर ऑनलाइन बीएस डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस तो ये कौन प्रोवाइड करेगा आईआईटी मद्रास कोई भी जिस जो ट्वेल्थ पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है देन देखिए हु दिवस हु दिवस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये दो आदमी बो एंड एरो ले रहे हैं ये तो ये हु दिवस जो है वो थर्टी जून को मनाया जाता है ट्राइबल्स के मेमोरी में सिद्धू एंड कानू जिन्होंने जो सांथल रिबेलियन था 30 जून 1855 उसको किया था एट भोग नाधी इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ये पहला पीपल एक्शन था अगेंस्ट द ब्रिटिश देन देखिए डॉक्टर डे हर दे, हर साल एक जुलाई को मनाया जाता है ताकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को ऑनर किया जा सके डॉक्टर डे को इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया ने 1991 में इसे पहले ऑर्गेनाइज किया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस साल की जो थीम थी वो थी लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड 19 जो पहला डॉक्टर डे था वो 28 मार्च 1933 थर्टी विंडर जॉर्जिया के अंदर ऑब्जर्व किया गया था डॉक्टर रॉय सेकेंड चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के थे महात्मा गांधी के फ्रेंड एंड डॉक्टर भी थे इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था फोर फैन को नाउ एसेलरेट विज्ञान स्कीम इसको लॉन्च किया है एसईआरबी -E ने दैट इज साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने ओके एंड एसिलेशन आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं एसेलरेशन आपने पढ़ा होगा साइंस uh, में नाइन्थ टेंथ क्लास में तो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इसे लॉन्च किया है ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोग्राम्स बिल्ड किए जाएंगे रिसर्च इंटर्नशिप वर्कशॉप ये सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि एक हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक मैन पावर प्रिपेयर हो सके एक अभ्यास ध्यान रखिएगा अभ्यास किस लिए है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें कंट्री के अंदर जो पी जी एंड जो पी एच डी स्टूडेंट्स हैं इसके टू कॉम्पोनेट्स होते हैं एक तो होती है तो हाई एंड वर्कशॉप जिसको कहते हैं कार्य कार्यशाला एंड एक होता है रिसर्च इंटर्नशिप जिसे कहते हैं वृत्तिका एक है आपका मिशन समूहान एंड आई थिंक समूह नहीं है ये भी एसेलरेट विज्ञान की ही बिगनिंग को मार्क करता है इसकी साइंटिफिक इंटरेक्शंस को बढ़ावा देना है देन एक है आपका ये टू पार्ट्स में डिवाइड है समूह आई थिंक मे बी समूह नॉर्व आई डोंट नो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है संयोजिका एंड संगोष्ठी के अंदर संगोष्ठी पहले से ही प्रोग्राम था सर्ब का एंड जो संयोजिका है वो ओपन एंडेड प्रोग्राम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए देन देखिए प्लेसेस इन न्यूज बोट्सवाना तो बोट्सवाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा जस्ट अ मिनट ये रहा आपका बोट्सवाना साउथ अफ्रीका के नामीबिया के पास है ये बोट्सवाना ठीक है देखिए साउथ अफ्रीका के अफ्रीका के बिल्कुल तो जो सबसे मीन साउथ में वो तो साउथ अफ्रीका ही है एंड इसके ऊपर है आपका बोट्सवाना इसके जो वेस्ट साइड है वहाँ पे आपको नमीबिया मिलेगा यहाँ पर आपको जम्बिया मिलेगा यहाँ पे आपको जिम्बावे यहाँ पे आपको, आपको मोजाम्बिक मोजाम्बिक यहाँ है मडगास्कर यहाँ है ओके okay, ध्यान रखिएगा तो बोट्सवाना क्या है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउदन अफ्रीका के अंदर सेवेंटी परसेंट जो टेरिटरी है वो कालाहारी डेजर्ट के अंदर आती है एंड साउथ अफ्रीका साउथ में है और साउथ ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा नामीबी आपको वेस्ट में मिलेगा जिम्बावे आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा एंड जाम्बी आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा सेवनटी परसेंट जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं ओका वांगो डेल्टा जो है वो यहाँ का इनलैंड रिवर डेल्टा है एंड टू में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी उसको शामिल किया गया था देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी इसको डेवलप किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत सिंपल है ध्यान रखना एनवायरमेंट आपको ध्यान रखना है जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो स्टैचूटरी बॉडी है, है जू उसको रेगुलेट करना कि हर जू जो है वो एक रिकॉग्निशन ले सेंट्रल जू अथॉरिटी से गाइडलाइंस बताते हैं एक चेयरमैन होते हैं टेन मेंबर्स होते हैं एक मेंबर सेक्रेटरी होता है ओके नाउ धम चक्र डे तो धम चक्र डे आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो आप ऐसे ध्यान रखिए ये हमारा कल्चर है कि हम अपने धर्म को फॉलो करें तो धम कल्चर डे किसका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये बनाया है अषाढ़ पूर्णिमा के लिए बुद्धा की जो पहली टीचिंग जब उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था उसके लिए इसको मार्क किया जाता है एंड एट डियर पाक ऋषि पटाना नव जो टीचिंग हैं धर्म पट पवातना सूत्र की और धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की तो ये फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धर्म एंड फोर नोबल ट्रूथ एट जो आपके बुद्धिज्म के अंदर आपने पढ़े होंगे नोबल एट फोल्ड पाथ जो डे है इसे श्रीलंका के अंदर एसाला पोया भी कहा जाता है एंड थाईलैंड के अंदर असाना बुच्चा भी कहा जाता है एंड बुद्धिस्ट के लिए सेकेंड मोस्ट डे होता है आफ्टर बुद्धिया बुद्धा पूर्णिमा और वैसाख ये जो डे है इसे गुरु पूर्णिमा की तरह सेलिब्रेट करते हैं बुद्धिस्ट भी एंड हिंदूज भी देन देखिए प्रेरक दौर दो, सम्मान तो ये न्यू कैटेगरी है अवार्ड्स की क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए दिव्या प्लैटिनम अनुपम गोल्ड उज्जवल सिल्वर उदित ब्रॉन्ज आरोही एस्पायरिंग तो टॉप थ्री सिटीज़ को ये मिलेगा जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है वहाँ पे सिटीज़ को इवेलुएट किया जाएगा पॉपुलेशन कैटेगरी के बेसिस पे ओके okay, एंड फिर देखेंगे कि भाई वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वेट ड्राई एंड हज़ार्ट कैटेगरीज के अंदर आ, प्रोसेस करेंगे कैपेसिटी अगेंस्ट वेट वेस्ट जनरेटेड प्रोसेस एंड रिसाइकल करेंगे वेट एंड ड्राई वेस्ट को कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन होगा वेस्ट प्रोसेसिंग का जो वेस्ट लैंडफील्ड्स में जा रहा है उसका परसेंटेज देखेंगे सैनिटेशन स्टेटस देखेंगे सिटीज़ का भी नाउ निमू और निमू तो प्र, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी निमू गए लद्दाख के अंदर ताकि इंडियन ट्रूप्स के साथ बात कर सके तो ये एक रिज़र्व ब्रिगेड हेडक्वाटर है इंडियन आर्मी का इसका सिग्निफिकेंस तब सामने आया था जब बी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड बनाई थी पादुम से लेके जंसकर वैली टू निमू तक निमू एक विलेज है लद्दाख रीजन के साउथ ईस्ट एरिया के अंदर मिलेगा जांसकर रेंज रेंज के अंदर आता है इंडस एंड जांसकर रिवर के कॉन्फ्लुएंस का ये मीन्स बना हुआ है वहाँ पर मैग्नेट हिल है वहाँ पर ठीक है देन देखिए आई सी ए आर एंड एन आई सी आर ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऑटोनॉमस बॉडी है एग्रीकल्चर में एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए ये रिपोर्ट देती है डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं एग्रीकल्चर के वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं एंड ये लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर एक है आपका एन ये भी आई ने ही लॉन्च किया था दैट इज नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर टू के अंदर देन देखिए कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र का मतलब होता है फार्म साइंस सेंटर ठीक है कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र से आप फार्म विज्ञान से साइंस ठीक है इस तरीके से सेंटर से केंद्र फार्म से थोड़ा कृषि इस तरीके से आप इसी इसका मतलब निकाल सकते हैं अल्टीमेट लिंक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फार्मर्स के बीच में अभी मैंने आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये जो सेंटर है ये एसोसिएटेड है लोकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर रिसर्च देखते हैं ट्वेंटी तक सेवन जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो इंडिया के अंदर देन देखिए करण फोड़ ये एक शुगर केन वेराइटी है इतना ही आपको ध्यान रखना है किशन किशन रथ तो ये एक ऐप है इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किसान रथ है इट इज़ किसान रथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स ने बनाया है ये फार्मर्स को हेल्प करेगी कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम पे ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल सकें गेट से मंडी तक जो फार्म प्रोड्यूस है उसको ले जाने में आसानी रहे आत्मनिर्भर निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज तो ये जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट किया एम आई ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर ताकि इंडिया के जो टिकीज हैं एंड जो स्टार्टअप कम्युनिटी है वो एक वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया एप्स क्रिएट करें तो यहाँ पे आ, टू ट्रैक्स के अंदर होगा जो एग्जिस्टिंग एप्स हैं उसका प्रोमोशन होगा न्यू एप्स डिवेल्प होंगी कैश अवार्ड्स भी होंगे इंसेंटिवस भी होंगे एंड uh, आपको इवेल्यूएट किया जाएगा कि कितनी ईजी है वो यूज करने में रोबस्टनेस कैसी है सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं स्टेवियोसाइड देन ये एक नेचुरल प्लांट बेस्ड ग्लाइकोसाइड है जो कि हनी येरबा के अंदर मिलती है नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं ये एंड uh, ये आपको रिसर्चर्स ने अभी इनको पाया है एंड इनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी उसको ये बढ़ाता है देन देखिए लद्दाख का विंटर ग्रेड डीज़ल तो विंटर डीज़ल स्पेशलाइज्ड फ्यूल है जो कि आईओसीएल यूज़ करता है क्योंकि लद्दाख के अंदर हाई एल्टीट्यूड रीजनस हैं एंड लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर तो वहाँ पर ये हेल्प करता है एंड हायर वहाँ पर सी टेन रेटिंग है लोअर सल्फर कंटेंट भी इसके अंदर होता है दैन देखिए अलाइनमेंट्स इट इज़ बीग हेल्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिवलप्ड सोशल मीडिया सुपर एप अलाइनमेंट्स इसे डिवेल्प किया है वन थाउजेंड आई टी प्रोफेशनल्स ने एंड हु वॉल्टियर एट श्री श्री रविशंकर अवॉर्ड आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इसके अंदर कुछ फीचर्स ये कम्पीच करेगा लाइव विद द लाइक्स ऑफ फेसबुक्स एंड इंस्टाग्राम एंड टू तो एंड इनक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा ओके देन धनवंतरी रथ धनवंतरी रथ एक मोबाइल वैन है नॉन कोविड जो इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज होती है वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है अहमदाबाद के अंदर उनके डोर स्टेप्स पर ही इन वैन्स के अंदर आयुष डॉक्टर होते हैं पैरामेडिक नर्सिंग स्टाफ भी होता है वार्तावली वार्तावली चार जुलाई को डीडी न्यूज़ ने पाँच साल जो है वो संस्कृत न्यूज़ मैगजीन वार्तावली के कंप्लीट कर लिए हैं संस्कृत सप्ताहिकी तो ऑल इंडिया रेडियो एफएम न्यूज़ चैनल ने ये स्टार्ट किया है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हरियाणा ड्राफ्ट्स ऑर्डिनेंस टू रिजर्व सेवेंटी फाइव परसेंट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स ये हमने पहले आंध्र प्रदेश से रिलेटेड भी पढ़ा था एंड अब देखिए सेवेंटी फाइव परसेंट जो जॉब्स हैं जिनकी सैलरी फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ से कम है वो हरियाणा के लोगों को ही मिलेगी जहाँ पे दस से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हों एंड ऑबियसली डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा अगर प्राइवेट कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि वो ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर वो जो परमिट्स मीन्स इशू कर सकते हैं दूसरे स्टेट से भी देन देखिए फोर्थ हाइएस्ट ओपियम सीजर इन टू रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट तो ये जो ड्रग्स हैं एंड किस तरीके से जो सुशांत सिंह का जो केस है उसमें भी सामने आया बात सो so, थोड़ा रिपोर्ट भी मे बी थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की तो इंडिया से फोर्थ नंबर पर ठीक है पहले ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड फिर चौथे नंबर पे कौन है इंडिया है सिक्स फोर्टी फोर टनस जो ओपियम है वो ईरान में मिला ट्वेंटी सेवन टन अफगानिस्तान में एंड 19 टन पाकिस्तान में सो so, ईरान एंड अफगानिस्तान में देखें तो बहुत बड़ा गैप है हीरोइन सीजर के अंदर 1.3 पॉइंट थ्री टर्न्स लेकर जो इंडिया है वो बारहवीं पोजीशन पे है वर्ल्ड के अंदर ठीक है दिस इज़ फॉर हीरोइन दैन जो ग्लोबल एरिया है अंडर ओपियम पॉपी कल्टीवेशन वो फॉर द वो सेकेंड ईयर में मीन्स डिक्लाइन हुआ 17 परसेंट हो गया है बाई 30 परसेंट इन 2019 तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा देन देखिए द मेन ऑपियर ट्रैफिकिंग जो है वो तीन आ, मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं एक तो अफगानिस्तान एक म्यांमार लाओस एंड तीसरा है मैक्सिको कोलंबिया एंड ग्वेटी माला देन जरडोजी आर्ट ये आप देख सकते हैं जरडोजी आर्ट इट्स वेरी ब्यूटिफुल तो जरी वर्क जरडोजी एक आर्ट होता है क्वाइट पॉपुलर है एम्ब्रॉयडर्स एंड डिज़ाइनर्स के बीच में भोपाल के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है सेवनटीन सेंचुरी से ही अकबर के टाइम से एंड ये पर्शिया से आया है जर मीन्स होता है गोल्ड डोजी मीन्स होता है एम्ब्रॉयडरी तो एम्ब्रॉयडरी करना गोल्ड थ्रेड से एंड 2013 के अंदर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उन्होंने इसे जीआई टैग दिया था लखनऊ जरदोजी को ठीक है ध्यान रखिएगा लखनऊ जरदोजी को दैन देखिए प्लेसेस इन न्यूज नाटन्स तो अभी एक फायर ब्रोकआउट हुई नाटनस के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान के अंदर अंडरग्राउंड यूरेनियम वहाँ पर था एंड जो ईरान के जो सेंट्रल इफ़ाहान प्रोविंस जो है तेहरान के अंदर वहाँ पे मेन यूरेनियम एनरीचमेंट फैसिलिटी भी है ये फर्स्ट पायलट फ्यूल एनरीचमेंट प्लांट है ईरान का ना इसे मॉनिटर करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैन देखिए नाट मो दैट इज नेशनल एटलस एंड थीमेटिंग मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अपना फोर्थ अपडेटेड वर्जन दिया कोविड नाइन्टीन डैशबोर्ड के लिए नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में ये नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्टेब्लिश हुए थे प्रोफेसर एस पी चटर्जी जो है वो इसके फाउंडर हैं नाइनटीन सेवेंटी एट में इसको रीनेम किया गया एंड द फील्ड ऑफ थीमेटिक कार्टोग्राफी एंड जोग्राफिकल रिसर्च इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन नेशनल एटलस ऑफ इंडिया नेशनल एटलस मैप्स बनाना थीमेटिक मैप्स बनाना नाउ एक और बटरफ्लाई आपको देखने देखनी होगी एंड वट इज़ द नेम ये लार्जेस्ट है हिमालय की बटरफ्लाई है इसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग एंड जो फ़ीमेल गोल्डन बर्ड विंग होती है वो दीदी हट उत्तराखंड से मिली लार्जेस्ट मेल जो है वो मेघालय के वनखार बटरफ्लाई म्यूजियम के अंदर है जो रिकॉर्ड था वो अभी इससे पहले जो तो जो बनाया हुआ था वो साउदर्न बर्ड विंग ने बनाया हुआ था 1932 में ओनली मेजरमेंट जो होती है वो सिर्फ लेपिडो पिटेरा की, की जाती है मीन्स विंग स्पैन की जो फीमेल का होता है वो वन एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है क्वैकर मीन्स उसका जो विंग स्पैन है वो सिर्फ एम एम का है इस डेली अर्बन आर्ट कमीशन ए स्टैचुटरी बॉडी तो येस इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नाइनटीन सेवेंटी थ्री में बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है रेगुलेटरी बॉडी है थिंक टैंक है अब आप थोड़ा इडलिप देख लीजिए इडलिप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड जो क्योंकि सीरिया uh, एंड जो रशियन प्लेन्स हैं वो वहाँ पर एरियल स्ट्राइक्स कर रहे हैं एंड इडली जो है वो यू एन अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा जो इडलिप है वो एक सिटी है नॉर्दर्न वेस्ट सीरिया के अंदर फिफ्टी नाइन मीटर दूर है एलिप्पो से एंड जो कैपिटल है इडलिब रेट की इसका जो 500 मीटर आपको सी लेवल से अबव मिलेगी सो दिस इज योर इडलिब मे बी इट इज विजिबल टू यू आप अपने पीडीएफ के अंदर भी देख सकते हैं सो दिस इज योर इडलिब ये आपका सीरिया है नॉर्थ वेस्ट साइड में है ठीक है इसके साइड आपको एलिप्पो दिखाई देगा हामा एंड लटाकिया ओके okay. देखिये भशन चार आइलैंड तो ये भी आपको पता होंगे इसको चार पिया भी कहा जाता है एक आइलैंड है बांग्लादेश के अंदर ठीक है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे दिस इज योर भाषण चार बे ऑफ बेंगाल के अंदर है फोर हंड्रेड जो आइलैंड है वो हिमालयन सिल्ट से बना हुआ है फोर फोर्टी किलोमीटर इसने एरिया कवर किया हुआ है रोहिंग्या के जो रिफ्यूजीज है दे विल नॉट बी अलाउड टू लीव जब तक वो अपने घर वापसी नहीं जाएंगे देन समाधान से विकास ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज़ हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस के उनको उन्हें रिकवर किया जा सके अब आप ये देखिए कैथेड्रल देखिए इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल ये फर्स्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था एज अ कैथेड्रल इन क्रिश्चन बाइजेंटिन एम्पायर फिर इसको मोस्क में कन्वर्ट कर दिया था ऑटोमन एम्पायर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने 1453 फिफ्टी थ्री में इस्तानबुल के अंदर ये है फिर इसे रिवर किया क्रिश्चन uh, ने एंड 1935 में ये म्यूजियम बन गया तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है एंड अभी न्यूज़ में क्यों है क्योंकि जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसिप तय्यब एडोगन उन्होंने इस्तानबुल के जो हैग्या सोफिया है इसको मुस्लिम वर्शिप के लिए ओपन कर दिया है देन देखिए असीम पोर्टल तो असीम पोर्टल आपको दिखाई दे रहा होगा स्किल इंडिया के लिए है एक इंटेग्रेटेड स्किल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल है एंड ताकि लोगों को अच्छा लाइवलीहुड मिले ये इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रिनरशिप ने देन देखिए इंडियन ग्लोबल वीक 2020 ये एक फ्लैगशिप इवेंट है इंडिया इनकॉर्पोरेशन का एक लंडन बेस्ड मीडिया हाउस है एंड इट प्रोवाइड्स अ फोरम टू ग्लोबल डेलीब्रेशन फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू बिजनेस आर्ट एंड कल्चर थीम इसके ध्यान रखिएगा बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड देन आप यहाँ पे फिश देख सकते हैं काटला रोहू एंड मृगल तो टेंथ जुलाई को हर साल जो डॉक्टर के एच अली कुनी हैं एंड डॉक्टर एच एल चौधरी हैं उनके रिस्पेक्ट में इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो यहाँ पे इंडिया में जो मेजर काप्स हैं काटला रोहू एंड मृगल नाउ दे आर द फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर देन इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज तो ये इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज मिशन का स्मार्ट सिटीज थोड़े अर्बन एरियाज में मिलेंगी तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है ताकि हेल्प मिल सके बिकॉज कोविड नाइन्टीन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं एंड थोड़ा मतलब फ्रेंडली इनिशियेटिव लिए जाएँ तो यहाँ पे सिटीजन्स को मीन्स साइकिलिंग करें एंड जहाँ पे पॉपुलेशन पाँच लाख से ज़्यादा हो कैपिटल सिटी हो सिटीज़ विद स्मार्ट सिटीज मिशन नाउ वट इज़ इटोलीट वॉज रिसेंटली इन न्यूज तो इटॉलीम जो है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंटीबॉडी है विच वॉज ऑलरेडी अप्रूव फॉर क्रॉनिक प्लैक पिसो रियसिस एंड uh, इसे एथोराइजेशन है कि कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स के लिए यूज़ की जा सकती है देन ए टी एल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल तो नीति आयोग के एम ने इसे लॉन्च किया है ए टी एल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को ताकि स्कूल चिल्ड्रन को हेल्प मिल सके इंडियन होम ग्राउंड स्टार्टअप प्लेज़मो के साथ इसे मिलकर स्टार्ट किया गया है ये एक ऑनलाइन कोर्स है एंड बिल्कुल फ्री है देन टी फाक दैट इज टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है 1988 एटी एट में सेटअप की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है मेन एम यही है टेक्नोलॉजी रोमिन पर ध्यान देना इसे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया दैट इज नारी शक्ति पुरस्कार 2015 फॉर इट्स स्कीम किरण आईपीआर ओके एंड किरण आईपीआर क्या है मैंने आपको कल बताया था इसे ध्यान रखिएगा देन ओफियो ओफियोकॉडीसेपेनेसिस तो ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं हिमालयन वाइग्रा एंड वर्ल्ड का कॉस्टलीएस्ट फंगस है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटर्न स्पीशीज के अंदर ये आता है वलरेबल कैटेगरी के अंदर इसे रखा गया है एंड इसे उत्तराखंड में कीड़ा जाड़ी कीड़ा जड़ी भी कहा जाता है एंडेमिक है हिमालय एंड टिबेटन प्लाट्यू के अंदर ही मिलेगा चाइना भूटान नेपाल इंडिया के अंदर ये मिलता है उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा देन स्पेशल पार्सल ट्रेन टू बांग्लादेश तो ये पहली क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है इंडियन रेलवेज के लिए एक पार्सल ट्रेन जो है वो बेनापोल बांग्लादेश तक जाएगी जो कि ड्राई चिलीज लेके जाएगी आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से एंड इन्हें जी टैग भी प्राप्त है देन देखिए टाइगर ऑर्किड्स टाइगर ऑर्किड्स जो है मीन्स ये ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर जो ये फ्लावर होते हैं ये आपको देख सकते हैं थोड़े टाइगर जैसी इनके अंदर लाइनिंग्स आपको दिखाई देंगी तो ये इंडिया से नहीं है ये साउथ ईस्ट एशिया में एंडेमिक है एंड इन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तो होता है उसमें इनको जगह मिली है देन देखिए ग्राउंड ऑर्किड तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये इन्हें कहा जाता है यूलोफिया ऑबटूसा रेयर ऑर्चिड स्पीशीज है ग्राउंड ऑर्किड भी इसको कहते हैं रीडिस्कवर की गई है दुधवा टाइगर रिजर्व से एंड ये जो स्पीशीज है ये आपको पीलीभीत के अंदर लास्ट टाइम दिखाई दी थी 1902 के अंदर एंड uh, अभी इससे uh, जो इसका डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड है वो आपको मिलेगा क्यू हर्बेरियम इंग्लैंड के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर है साइट्स ने इसको रेयर स्पीशीज एंड टार टू लिस्ट में रखा है इसकी ट्रेड प्रोहिबिटेड है मींस नहीं कर सकते इसकी ट्रेड देन स्वर्ण सब वन तो जो फार्मर्स हैं असम के उन्होंने वो हार्वेस्ट कर रहे हैं वाटर रेजिस्टेंस स्वर्ण सब वन राइस वेराइटी को जिसे डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एंड मनीला बेस्ड इंटरनेशनल रिच रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देन देखिए चुशुल तो चुशुल जो होता है वो आपको ले डिस्ट्रिक्ट के लद्दाख के अंदर मिलेगा एंड दुर्बुक तहसील के अंदर चुशुल वैली है इट इज़ क्लोजेस्ट टू रिज़ांगला एंड पेंगोंग लेक एंड बॉर्डर जो यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे लास्ट मैन लास्ट राउंड जो है उसके लिए लड़े थे इंडियन आर्मी एट रिजांगला चुशुल ऑन जब नाइनटीन में लड़ाई हुई थी ओके okay. देन ये आप देख सकते हैं दिस इज योर अक्सा चीन देन, ये आपका चुशुल है ठीक है चुशुल से नीचे माहे है देन एंड इसराइली असोल्ट राइफल्स है अब ये इंडिया के अंदर बनेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के अंदर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट देन नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सब सी पावर केबल जो कि ब्रिटेन एंड डेनमार्क के बीच में होगा 767 किलोमीटर का देन तंगम्स तंगम्स जो है वो एक बुक है तंगम्स एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो तंगम्स हैं वो लिटल नोन कम्युनिटी है आदि ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की एक ही विलेज के अंदर रहते हैं कुगिंग के अंदर एंड यूनेस्को वर्ल्ड एटलेस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज टू के अकॉर्डिंग एक ओरल लैंग्वेज है जो कि तनी ग्रुप को बिलोंग करता है देन भानु जयंती तो थर्टीन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी को टू हंड्रेड सिक्स बर्थ एनिवर्सरी भानु भक्त आचार्य की मनाई गई इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल के अंदर एंड ये फर्स्ट राइटर है जिन्होंने एंशियंट इंडिया रामायण को uh, ट्रांसलेट किया था संस्कृत से नेपाली में ठीक है कौन भानुभक्त आचार्य देन देखिए नोगोरनो कराबक रीजन तो नोगोर्नो काराभग जिसको आर्ट सक भी कहते हैं ये एक लैंड लॉक्ड रीजन है साउथ के कास के अंदर काराभगक माउंटेनियस रीजन के अंदर ठीक है अजहरबीज़ान के अंदर ये आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं देन डल लेक डल लेक जो सेकेंड लार्जेस्ट है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है एंड यहाँ पे जो फ्लोटिंग गार्डन्स है उन्हें रेड भी कहा जाता है क्योंकि ये दे ब्लॉसम विद लोटस फ्लावर्स ये जो लेक है ये लोकेटेड है जबरवन माउंटेन वैली के अंदर इन द फुट हिल्स ऑफ शंकराचार्य हिल्स काजीरंगा नेशनल पार्क आपको आसाम में मिलेगा एंड ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन भी है यहाँ पर नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में टाइगर रिजर्व भी है 2007 से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये 1985 एटी फाइव बर्ड एरिया भी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है चार फोर स्पीशीज़ भी यहाँ पर मिलते हैं राइनो एलिफेंट रॉयल बंगाल टाइगर एशिएटिक वाटर बिफेलो एंड फोर्टीन में से जो नाइन स्पीशीज़ है उनका ये घर भी है देन वर्ल्ड यूथ स्किल डे पंद्रह जुलाई को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे डेजिग्नेट किया था 2014 में फिफ्थ एनिवर्सरी पे स्किल इंडिया मिशन जो लॉन्च किया गया तो उस तब उस टाइम पे उसकी फिफ्थ एनिवर्सरी थी थीम है 2020 के लिए स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ देन देखिए आजाद पटन हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट तो ये हमने कल भी किया था जो पी के की जो झेलम डिस्ट्रिक्ट रिवर है सुत, सुधोती डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ इसको बनाया जाएगा पाकिस्तान एंड चाइना ने इनको बनाने की तैयारी की है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ग्यारह मेगावाट का कोहाला प्रोजेक्ट होगा झेलम पर बनेगा नीयर मुजफ्फराबाद कारोट हाइड्रो पावर स्टेशन भी है यहाँ पर एंड टू हाइड्रल प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए गए हैं गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर एक तो फंडर हाइड्रो एंड एक गिलगिट गिट देन देखिए माउंट ब्लांक माउंटेन रेंज तो ये यूरोप की है एंड uh, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली डिस इंडियन न्यूज़ पेपर्स बडिड देर फॉर फिफ्टी फोर ईयर्स एंड कुछ में हेडलाइंस थी जैसे इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उन्होंने इलेक्शन जीते नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में तो एक मेल्टिंग ग्लेशियर है ठीक है वहाँ पर कुछ इंडियन न्यूज़ पेपर्स दबे हुए मिले uh, मे बी uh, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एयर इंडिया फ्लाइट वन ज़ीरो वन और बोइंग सेवन जीरो सेवन प्लेन जो वहां पर क्रैश हो गया था 1966 में ये उनके न्यूज़ पेपर्स हैं तो वहाँ पर 177 जो डेथ हुई थी उसमें एक होमी बाबा भी थे एंड जो कि फाउंडर है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के माउंट ब्लैंक जो है वो यूरोप के अंदर माउंट एल्ब्रस के बाद सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है एंड हाईएस्ट माउंटेन है एल्पस एंड वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये जो माउंटेन है इसे ग्रेन एल्प्स भी कहा जाता है रूफ ऑफ द यूरोप कहा जाता है वाइट माउंटेन है जो बॉर्डर है इसका वो इटली और फ्रांस से लगता हुआ है देन इंडिया की पहली ट्रांस शिपमेंट हब वलर पडम टर्मिनल ऑफ कोचिन तो इसे ध्यान रखिएगा वाई वट इज मिल्क टी अलायंस तो ये एक ऑनलाइन डेमोक्रेटिक सॉलिडरिटी मूवमेंट है थाईलैंड हॉन्ग एंड ताइवान के लोग चला रहे हैं क्योंकि चाइनीज जो है वो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल करता है चियांग माई इनिशिएटिव तो ये करंसी स्वैप एग्रीमेंट है चाइना जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में देन मेल घाट टाइगर रिजर्व मेल घाट टाइगर रिजर्व एम से मेल घाट एम से महाराष्ट्र की अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा ओके गविल गढ़ हिल के अंदर यहाँ पे जो ताप्ती रिवर है ऑफ द गविलगढ़ रिज या वो उसकी बाउंड्रीज बनाती है टाइगर रिजर्व ये 1974 में डिक्लेयर कर दिया गया था वन ऑफ द फर्स्ट नाइन टाइगर रिजर्व है ये पहला टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का एंड इन डेंजर्ड यहाँ पे आपको फॉरेस्ट आउटलेट भी मिलता है देन वट इज़ सुपर कैपेसिटॉर तो ये आप देख सकते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कैपेसिटर है मीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर की जा सकती है हाई पावर डेंसिटी है लोअर ड्यूरेबल लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है एंड चार्जिंग करेक्ट्रिस्टिक्स भी अच्छी हैं देन कौन सी स्टेट है जिन्होंने प्रेफरेंस दी है प्लाज्मा डोनर्स को तो वो है आपके आसाम गवर्नमेंट ये हमने कल के वीडियो के अंदर या परसों ही किया है इसके अंदर कि क्या होते हैं प्लाज्मा एंड ऑल एंड ये इसको डोनेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती व्हाट इज़ ए पी टी ट्वेंटी नाइन दैट वॉज रिसेंटली न्यूज़ तो ए पी टी ट्वेंटी नाइन जिन्हें ड्यूक्स या कोजी बियर भी कहा जाता है ये रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के पार्ट हैं नाउ ए पी टी जो है वो कस्टम मालवेयर को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेल मैस एंड वेल मेल देन प्लेसिज इन न्यून छ्टोग्राम पोर्ट तो छटोग्राम पोर्ट जो है छटोग्राम मोंगला पोर्ट ये आपको बांग्लादेश के अंदर मिलेंगे कोलकाता से लेके अगरतला तक जो पहली कंटेनर शिप है वो यहाँ से जाएगी देन इंडिया एंड भूटान ओपन न्यू ट्रेड रूट तो इंडिया एंड भूटान ने जयगांव वेस्ट बंगाल के अंदर एंड पसाखा भूटान के अंदर एक नया ट्रेड रूट बनाया है देन ईओसिनोफिल काउंट ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि देखता है कि कितनी वाइट ब्लड सेल्स हैं देन आप आता है एन ए बी एल दैट इज नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज सो ये एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है ए पी एल ए सी के साथ एंड आई एल ए की सी के साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर इसको सेटअप किया गया है देन केस फैटलिटी इसमें आप ये ध्यान रखिएगा इंडिया एंड अब्रोड में भी सभी टेस्टिंग की जाती है एंड सभी फील्ड्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी देन देखिए केस फैटलिटी रेट तो ये वो प्रोपोर्शन है उन लोगों का जो एक स्पेसिफिक डिजीज से डेथ होती है देन गो धन न्याय योजना ये आप ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है तो यहाँ पर जो काव जंग है गवर्नमेंट उसको खरीदेगी लाइव स्टॉक ऑनर से टू रुपीज़ पर के पर एंड रीपर्पस किया जाएगा उसको वर्मी कॉम्पोस्ट के अंदर बदला जाएगा ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके वट इज़ अ वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो ऐसा इन्फेक्शन जो पैथोजन्स करते हैं मदर टू चाइल्ड जैसे कि एंड मदर टू एन एम्ब्रायोफीटर्स बेबी के अंदर आ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन मागोरी मोटापुंग वेटलैंड तो ये दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क का ही पार्ट है एंड मगूर इसको नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कैट फिश मिलती है एंड बील बील जो होता है वो एस वर्ड है वेटलैंड के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडावर्सिटी एरिया है यहाँ पे आपको गोल्डन महासी वल्नरेबल स्पीशीज़ मिल जाएंगे टू इंडेंजर्ड हैं यहाँ पे ओके सिक्स इंडेंजर जैसे कि वर्चर हिरोन पोचार ये आपको मिलेंगे तो आसाम के पास ही है आसाम से कनेक्ट करता है नेशनल पार्क इन आसाम टू नमडफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश ये आप देख सकते हैं दिस इज योर डायग्राम लोहित रिवर आपको यहाँ पर मिल जाएगी देन बाथी नोमस राक्षसा तो ये आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल ही आ... ये आई थिंक सबसे डर्टी पिक्चर है सो दिस इज़ द कॉकरोच ऑफ द सी एंड ये सुपर जी एंड बाथीनॉमस है मे बी चाइनीज तो इसको भी खा जाए सो so, ये पहला सुपर जी एंड आइसोपो खाते भी होगी आई नो आइसोपोड स्पीशीज़ है जिसे रिसेंटली uh, डिस्कवर किया है ईस्टर्न इंडियन ओशियन के अंदर इसकी फोर्टीन लेग्स हैं बट यूज दिज ओनली टू क्रोल एंड इसका जो फिफ्टी सेंटीमीटर वन पॉइंट सिक्स फीट ये बड़ी है बड़ा है आई आइसोपोर्स so रीच 50 सेंटीमीटर उन्हें सुपर जी बोलते हैं एंड इनको क्रैब्स लॉबस्टर शिम्स जो ओनली मेंबर है एक्सेप्ट द राक्षस इसको देखिए राक्षस नाम दिया है इन द साइज इज द बैथिनोमस गिगेंटियस देन देखिए मनोदर्पण मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है मनोदर्पण मीन्स आपके मन की बात को कोई सुने तो साइको सोशल सपोर्ट स्टूडेंट्स को टीचर्स को पेरेंट्स को देना यूनियन एच आर डी मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अकॉर्डिंग वट आर मेटा मटेरियल्स तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे मेटा मटीरियल्स आर्टिफिशियली बनाए गए हैं इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर्स को यूज़ करके एंड इनको किसी भी तरीके की शेप दी जा सकती है उड़ीसा रेजेज रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स बासठ साल से बढ़ाकर पैंसठ साल कर दी है साउथ अफ्रीका के अंदर डी फॉर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम तो एच लिमिटेड ने एक पी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स उन्होंने साउथ अफ्रीका को 75 फाइव परसेंट डी सेंड किया है ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके एंड एच जो इंडिया है वो पूरा डी ग्लोबली सोल मैन्युफैक्चरर है देन ऑपरेशन रूट्स फॉर मर्चेंट्स फिशिंग वेसल्स इन साउथ वेस्ट इंडियन वाटर सेपरेटेड तो ये आपका सेपरेट जो ऑपरेशन रूट्स बनाए गए हैं मर्चेंट्स एंड फिशिंग वेसल्स के लिए देन वृक्षारोपण अभियान तो वृक्षारोपण कोल मिनिस्ट्री तो इनका देखिए कोई लिंक नहीं है ठीक है तो वृक्षारोपण कोल मिनिस्ट्री से है लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव है

एंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा लॉन्गेस्ट फ्रॉग है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिलता है दे ऑफन इंगेज इन कैनी बेलिज्म मीन्स स्मॉलर इंडिविजुअल्स को खा लेना इंड इट्स लाउड क्रॉकिंग कोल ये आपको दिखाई दे रही होंगी येल्लो कलर के इट अट्रैक्ट्स अपोजिट सेक्स बट ऑल्सो प्रेडेटर शेड्यूल फोर के अंदर ये आता है देन इंडियन टेस्ट तो यूनियन एच आर डी मिनिस्ट्री ने किया है अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम देन इंडिया आइडिया सबमिट थीम थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर इसे ऑर्गेनाइज किया यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने फोर्टी फिफ्थ एनिवर्सरी थी नाइनटीन फाइव में बना था देन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नाइनटीन ट्वेंटी में बना था एक्ट फिफ्टीन के अंदर आता है टे ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं एक मेंबर एक चेयरमैन एंड सिक्स मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन जो विजय हुआ था 1999 में 1999 में सॉरी कारगिल राज सेक्टर एंड ये जब टू नेशंस ने शिमला एग्रीमेंट साइन भी किया था बट स्टिल इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मीज ने कारगिल वॉर की थी 1999 के अंदर ओके अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल नाग रिवर नाग रिवर आपकी महाराष्ट्र से निकलती है ध्यान रखिएगा एंड ये पार्ट फॉर्म करती है कन्हन पेंच रिवर सिस्टम का भी एंड नाग रिवर ओरिजिनेट्स इन लावा हिल्स नियर वाडी देन ये आप देखिए ब्लू पॉपी तो ये क्वीन है हिमालयन फ्लावर्स की कुमाओं में मिलती है टू कश्मीर एंड काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर मिलते हैं दैन डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट तो ये एक ओपन चैलेंज है ताकि इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स को प्रोमोट किया जा सके इसे लॉन्च किया डी आर डी ओ ने दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दैन मोबाइल ऐप मौसम तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ठीक है इंडियन मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए इसको डिज़ाइन एंड डिवेलप किया है आई सी आर आई एस ए टीज डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी के अंदर बी क्या है ये एक नेशनल स्टैचूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है इसे स्टैब्लिश किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट नाइनटीन ने पूरा लर्निंग है ये ये मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर आती है बीआईएस के अंदर ट्वेंटी फाइव मेम्बर्स होते हैं देन ट्यूटिंग टिडिंग स्यूचर जोन तो ये ईस्टर्न हिमालय के अंदर मिलेगा इंडो बर्मा रेंज के अंदर देन एस्ट्रोजन प्रोजेक्ट एस्ट्रोजन प्रोजेक्ट एक जीनियालॉजी प्रोजेक्ट है अकेडमिक्स के लिए इसे लॉन्च किया है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एंड अमेरिक एस्ट्रोनॉमी डिवीजन ने ताकि जो अकेडमिक्स हैं दे कैन ट्रेस देयर एनसेस्टर्स देन नागरजुना श्री सेलम टाइगर रिजर्व ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर आपको ये मिलेगा नलामाला हिल्स के अंदर कृष्णा बेसिन यहाँ से होके जाती है चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है यूनियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 47 और ऐप्स को बैन कर दिया देन राफेल फाइटर जेट्स तो राफेल फाइटर जेट्स जो है वो उन्हें मैन्युफैक्चर किसने किया है फ्रांस ने ध्यान रखिएगा पंपा रिवर पंपा रिवर जो है वो केरला की तीसरी बड़ी रिवर है पैरार एंड भारत पूजा के बाद सबरीमाला टेम्पल इसी रिवर पर बना हुआ है इस रिवर को दक्षिणा भागीरथी या रिवर बारिस भी कहते हैं देन इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा उन्हें ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिलेगी सिक्सटी परसेंट इनक्रीज हुआ है लास्ट टाइम से इंडिया के बाद पच्चीस हज़ार ग्यारह ब्रिटिशर्स हैं 14,764 थाउजेंड सेवन सिक्सटी फोर चाइनीज़ हैं एट एट टू वन पाकिस्तानीज़ हैं एंड थर्टी एट थाउजेंड क्या है इंडियंस नाउ पोर्ट लुइस पोर्ट लुइस आपको ये मॉरिशियस के अंदर दिखाई दे रहा होगा कैपिटल सिटी है मॉरिशियस की यहाँ पे जो नया सुप्रीम कोर्ट है वो बनेगा विद इंडियन ग्रांट असिस्टेंस देन आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो एल जी हैं अनिल बेजल उन्होंने जो डेली के कैबिनेट डिसीजन है कि वो डेली पुलिस पैनल के लॉयर्स को क्योंकि आपने देखे होंगे पुलिस एंड हाईकोर्ट के बीच में झड़प हुई थी लास्ट टाइम सो डेली गवर्नमेंट जो है वो बाउंड है कि वो एल जी के ऑर्डर को फॉलो करे गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट ये एक्ट यूएस हाउस ने पास किया है ताकि जो महात्मा गांधी की लेगेसीज है उन्हें प्रोमोट किया जा सके मार्टिन लदर किंग जूनियर की लिगेसीज को प्रोमोट किया जा सके इसको ऑथर किया है जॉन लुइस ने एंड ये एक एनअल स्कॉलर थे ओके देन एम आई क्रेस्ट तो एम आई क्रेस्ट एक इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है ताकि एक रोबस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके हाई परफॉर्मेंस स्टार्टअप्स के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वादवनी फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। सो थैंक यू सो मच हमारा जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है एंड कल से हम आपको अगस्त का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। अप टू टेन मे बी मैं उसको कंप्लीट करवा पाऊँ तो हम करेंगे जुलाई अगस्त तक मीन्स कोशिश मैं यही करूंगी कि टेन सेप्टेम्बर तक कंप्लीट हो जाए अगस्त तक का भी एंड आप टेन सितंबर या फिफ्टीन सितंबर तक का ही जो सितंबर का करंट अफेयर है वो वेबसाइट से कर लीजिए ओके आफ्टर दिस डू रिविजन रिविजन एंड ओनली रिविजन ओके सो थैंक यू सो मच डोंट फुगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब